तुम्हें पता आज कौन घर में आया? आ? तुम्हें पता आज घर में कौन आया? कौन? शौकत अली साहब। ओ माशाल्लाह। देखते सही। सर सलाम अलैकुम। सर जी क्या हाल? ओए कार। सच्ची मुच्ची दे उस्ताद लोग आए जी वाली वाह। क्या बात है। मजा आ गया मजा। बकली आदमी इतने बड़े। चल बाहर निकल। चल। किधर 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 किधर। चल बाहर निकल। हैं? इधर आओ। उस तरह साईं दियां कशिशां। मेरी बात सुनो। उस तरह नहीं इसने मरना। तुमने इसको इस तरह मार देना चीच चीच करके। ओ बेड़े खरक हो गए साईं के। आओ। ओ सारे बैठे आ। दबा जाओ। दबा जाओ क्या मतलब? दबा जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ दो दफा हो जाओ। कल ये है कि तुम नहायत ही निकम्मे इंसान हो। तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं। तुम यहाँ पे आ जाते हो। अब मैंने उनका मांगा नहीं है ना। नहीं तू तो मेरा आपा जब ना मर गया इतने पैसे आ गए साईं को तो पता ही नहीं। मैं फिर भी कारोबार नहीं छोड़े यार। कारोबार बिजनेस कर रहा हूँ। कौन सा बिजनेस? मैं बिजनेस करता हूँ। तेरा बिजनेस है? ऐ रातानू ऐ गटरा दे ढकन तेरा प्यो चोरी करता। व्हाट तुम करते हो? मी वाह भाई वाह। ये मेरे क्रेडिट में बात है। लख लाना तेरे ते भी तो तेरे क्रेडिट ते भी। आ खलोतिया कारा दे शीशे कौन लाऊंगा? कौन? मैं। रियली? और नहीं दिल्ली। अगर तुम्हें वो बंदा मिलाऊं तो पहचान लोगे? काला कोट पहना हुआ है। बस शर्म नहीं आती तेनू? भाजी तेरे को पर्सनैलिटी वेख चबले और लगता तेनू भी मसीतो जुतियां चुकता होना। हाँ। मेरी तो दे दे। वाह वाह साईं। मैं मान आए हुए हैं। बकवास किए जा रहे हो। माफी चाहूंगा जी। इधर आओ इधर बैठ। कोई दवा लो उनसे। खान साहब आए हुए हैं। शौकत अली खान। बदतमीज साईं। साईं कुछ ना कहो। साईं पता नहीं आप भी उठो ही लेके आए। और साजी साईं ते बड़ा बड़ा नजरबाज हो तुसी। नजरबाज है जी। ये साईं है हमारे मोहल्ले का जी। अच्छा जी। इलेक्शन में खड़ा हुआ था हार गया था। अब ये इसकी हालत हो गई है। इंतखाबी निशान गड्डी था। इंतखाबी निशान है जी। जी हां जी हां जी गड्डी इंतखाबी निशान। टोटल पूरे हलके में से एक वोट पड़ा वो भी जनाब का अपना था। वैसे गड्डी साईं मुझे पता चल गया तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। क्या? तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है ना इसलिए तुम इस तरह हो। मुझे पता है ये तुम क्यों कह रही हो। क्यों क्यों? कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में ले आऊं। खुश फहमी की भी इंतहा होती है वैसे। मैं जिंदगी में ले आऊं? और तेरी जिंदगी में कोई आ ही नहीं सकता। तू अपना दरवाजा खुद ही बंद करता रहता है। और तेनू की अकल होनी? तू तो धौन ते मुछा रखियां। लिसन मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आऊंगी। तुम्हारी गड्डी जैसा मुंह है। गड्डी जैसा। छोड़ो इन बातों को और चलो घर। चलो। क्यों? This is my house. वो मेरे अकेले के बच्चे हैं। मेरे अकेले के इसके बच्चे। और रात में दोपहर में मेनू फीडर बना देने पेंदे। क्या बोल रहे ये? अरे दिल्ली के बच्चों को अपना बच्चा कह रहे हो। साईं मैं आया तू तुम आज फिर मैं पा दिल्ली के बच्चे को बात तुम तेनू की यार। खुसरा यार है किथे है? इथे ही आ। सही दस किथे है? यार भाजी नू भी छड़ो। ठीक है जान को भी छोड़ो। उस्ताद होरां भी छोड़ो। बब्बर शेर आ जिहड़ा हुण मेरे तो अलावा खलोता वाला ओह इधर आ यार तैनूं मैं दसां। उफ इसकी एंट्री। इसके मां-बाप ने मेरे लिए पैदा किया यार। आपके घर में ही क्यों मुलजम आते हैं? ये क्या बात हुई? चलें उधर पहले। हां हमें क्या बताओ? अपना बात हमें क्या बताओ? अब
थोड़ी देर बाद यार, थोड़ी देर उससे बात करने दो, आप थोड़ी देर बाद आ जाएं। बात कहाँ, बाहर जाके देखो तो सही, इतनी ठंड में कहाँ जाऊँ मैं। शौकत अली साहब आए हुए हैं, हम उनसे बातें कर रहे हैं। वो तो ठीक है, तो मैं कहाँ जाऊँ? क्यों थाने से निकाल दिया आपको? सर्दी बहुत है वहाँ जाके। क्या नाम है आपका? मेरू। हाँ मेरू, सर्दी बहुत है, ठंड बहुत है, धुंध देखे जाके। तो गर्म टोपी पहनो ना, गर्म टोपी पहनो, ठंड बहुत है। ये ठंडी टोपी पहनी हुई है। छोड़ दो, आपको नहीं पता। मैं कह रहा हूँ शौकत अली साहब आए हुए हैं, हम दो चार बातें कर लें, अब बाद में आ जाइएगा। शौकत अली साहब, मैं अभी उनसे बातें कर लेता हूँ, मैं कौन सा तोतला हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हुजूर? ठीक है, तबीयत से ठीक है? मैं चौधरी साहब आपको देख के तबीयत ठीक हो गई। नहीं तो मैं कर देता हूँ जी। आप बड़े आदमी हैं, दबा देते हैं फिर के आप लोगों की नौकरी करते हैं, तो हम बड़े लोगों की भी खिदमत करते हैं। खिदमत करते हैं, ऐसी बात क्या है? क्या आप क्या खिदमत करेंगे जी? आप क्या खिदमत करेंगे लोगों की? अंदरों तेल ले, मैं तड़िया पिनिया मार दे। तुम मुझे ना कोई पुलिस वाले नहीं लगते हो, कोई तुम्हें तो बात करने की तमीज नहीं है। क्यों नहीं है तमीज? मुझे बताओ तुम पढ़े लिखे हो, क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारी? मेरी काफी है, आपको क्या? काफी क्या? सर्दी काफी भी नहीं है। नहीं बाबा बोले नहीं, माफी भी नहीं है। वो क्या भाई साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि किस बेस पे आप पुलिस में आए हैं? आप गेम बेस पे आए हो पुलिस में? ओ, स्पोर्ट्समैन है? हाँ, स्पोर्ट्समैन। वाओ, कौन सी गेम खेलते हैं? खुशी। वो इस पे वो सांप वाली गेम खेलता हूँ। सांप वाली गेम से आपको पुलिस में आ गए? बड़ी खुशी हुई जी, कमाल है, कमाल है गेम। मैं भी आपसे बहुत खुश हूँ। कई गेमें में खेल लेता हूँ, मैं गेम नहीं खेलता। मैं आपको पूछना चाह रही हूँ कि आपका डेजिग्नेशन क्या है? वो उधर ही पड़ा है थाने में। जान इसको समझाओ कि मैं क्या पूछना चाह रही हूँ। आपका पुलिस में रैंक क्या क्या है? हवलदार है आप? रैंक भी उधर ही है, वो गुस्सा की ड्यूटी उतरी थी ना, वो कस के हूँ मैं अभी। और यार छोड़ो इनकी बातों को, क्या खान साहब से बातें करो। क्या है आप? हवलदार है? क्या है, क्या हवलदार है? थानेदार हूँ छोटा। इतनी बड्डे नु बुलाओ छोटा थानेदार? बड्डे नु बुलाओ इतने की कोई, मैं मुलजम देखना है, रिश्ता देखना है, बड्डे नु बुलाओ। देखो जी ए... मैं थानेदार हूँ छोटा, अभी थाना बन रहा है ना जी अपना, आपको नहीं पता ये साथ ही थाना बन रहा है, सब लोग हिस्सा डाल रहे हैं। बस धुंध में निकला हूँ जी, बस अल्लाह करे कोई दुआ करे कोई मजदूरी मिल जाए थोड़ी बहुत। ये ऐसे स्पोर्ट्समैन है, ये ट्रैक सूट पहन के लूडो खेलने लग पाते। आपको पता सही कह रहे हैं जी, आपके पास भी कोई थाना है जी? मेरे पास थाना? आपके वाकफ है, मैं मेरे तो नहीं है। वहाँ तो नहीं, इनके इनके घर के पास कोई नहीं, आपके तो सारे ही वाकफ है, आपको तो बड़े बड़े लोग सरूट मारते हैं ना जी। इन लोगों को नहीं पता हमारी कदर का। हाँ, मुझे सब पता, पूरे मोहल्ले में बदनाम हो कि तुम पैसे लेके खाते हो। मजबूरियां इंसान को पड़ जाती है, पैसे कौन लेके खाता है? मजबूरियां इंसान को। तुम्हारी भाभी का ना फोन गुम हो गया, मेरी बीवी का फोन, आपकी भाभी का फोन, उसकी भाभी का, उसकी भाभी का, नहीं नहीं आपकी भाभी का।